2023 का ये मेरा पहला वीडियो है। कल रात को ही एक मेल आया था, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसे ही मैंने मेल को देखा, मैंने सोचा फटाक से इस पे एक वीडियो बना लूं आप लोगों के लिए। अगर आप YouTube पे एज अ क्रिएटर काम करते हैं, चाहे आपका चैनल मोनेटाइज है, नहीं है या फिर मोनेटाइज होने वाला है, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस साल आपको शॉर्ट्स के फंड मिलेंगे कि नहीं, आप अगर लॉन्ग वीडियोज बनाते हैं तो उस पर क्राइटेरिया क्या होगा मोनेटाइजेशन का, अगर शॉर्ट्स बनाते हैं तो उसमें क्या कुछ चेंजेस हुए हैं, ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है कॉस्टी, वेलकम टू माई चैनल टेक विद कॉस्टी। YouTube की तरफ से अपडेट ये आया है कि 1 फरवरी से आप अगर अपने चैनल पे शॉर्ट्स अपलोड करते हैं तो उसके आपको पैसे मिलेंगे। कितने पैसे मिलेंगे इस बारे में कभी किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। इस पे कुछ कंडीशंस हैं, उसके बारे में आपको बताता हूँ। अगर आप लॉन्ग वीडियोस अपलोड करते हैं, मतलब अपने चैनल पे सिर्फ आप बड़ी वीडियो डालते हैं और चैनल आपका मोनेटाइज नहीं हुआ है, तो उसमें क्राइटेरिया में कोई चेंज नहीं है। आपको 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच आवर्स, जिसे हम अप्रॉक्सीमेटली 2.5 लाख मिनट भी मानते हैं, लास्ट 365 डेज में आपको कंप्लीट करने हैं। अगर आप शॉर्ट्स के थ्रू से अपने चैनल को मोनेटाइज कराना चाहते हैं तो इस पर टाइमलाइन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। 1 साल की जगह आपको 90 डेज मिलते हैं। आपको 90 डेज के अंदर अपने चैनल पे टोटल शॉर्ट्स वीडियोस के थ्रू से 10 मिलियन व्यूज लाने हैं, 10 मिलियन व्यूज और 1000 सब्सक्राइबर का क्राइटेरिया कॉमन है, चाहे आप लॉन्ग वीडियो अपलोड करें या फिर शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस चीज़ के लिए क्या आपको कोई फॉर्म भरने की ज़रूरत है, आपको कहीं जाना पड़ेगा, तो नहीं। बहुत ही जल्दी, मतलब मान लीजिए 10-12 दिन के अंदर आपके YouTube स्टूडियो में आपको एक पॉपअप मिल जाएगा, जिसके थ्रू से आप इन सारे टर्म्स पे अग्री कर सकते हैं। टर्म्स के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि बेस टर्म पे हम सबको अग्री करना है कि हम YouTube पार्टनरशिप प्रोग्राम पे रहना चाहते हैं, मतलब आपके चैनल पे मोनेटाइजेशन का जो बेसिक फीचर है वो ऑन होने की ज़रूरत है। उसके साथ भी पॉइंट टू ये है कि आपको अग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा जिसमें आप शॉर्ट्स के थ्रू से भी पैसा कमाना चाहते हैं। हालांकि यहाँ पे परसेंटेज में थोड़ा सा फर्क है, ये कि अगर आप बड़े वीडियो से आपको 55% कमीशन मिलता है एड रेवेन्यू का, और शॉर्ट्स में आपको 45 मिलेगा। मान लेते हैं ऐसा एक सिचुएशन कि आपका एक चैनल है जहाँ पे आप शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियो दोनों डालते हैं, जैसे मैं डालता हूँ, तो मुझे शॉर्ट्स के लिए 45 मिलेगा और लॉन्ग के लिए 55 मिलेगा। अब ये चीज़ मुझे अगर ढूंढना है तो YouTube एनालिटिक्स में फ्यूचर में मुझे ये सब दिखेगा कि मेरे चैनल ने कहाँ से अर्निंग की है, क्या वो YouTube शॉर्ट्स से आए हैं, YouTube लाइव से आए हैं, लॉन्ग वीडियो से आए हैं या फिर मर्चेंडाइज से आए हैं। मर्चेंडाइज से याद आया कि थर्ड बेस आपको ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपके चैनल पे जो एक्स्ट्रा इनकम है, चाहे वो सुपर थैंक्स के थ्रू से हो, चाहे वो मर्चेंडाइज हो, चाहे वो कप हो, टी शर्ट्स हो, अगर इस तरह के कुछ चीज़ें आप प्रिंट कराते हैं या फिर शॉपिफाई के थ्रू से आप कुछ सामान लिंक अपने करके रखा है या फिर चैनल की मेंबरशिप हो, इनके थ्रू से भी आप कमा सकते हैं। तो 2023 में YouTube ने इनकम को दिमाग में रखते हुए काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज खोल दी हैं। तो आने वाले वक्त में जितने भी क्रिएटर्स हैं जिनके चैनल मोनेटाइज हैं वो तो पैसे कमाएंगे ही, और जिनके नहीं हैं या मोनेटाइज होने वाले हैं, इस सिचुएशन पे भी YouTube नए क्रिएटर्स को बहुत ज़्यादा ऑप्शन दे रहा है, बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है। तो बस आपको करना यह है कि सही डायरेक्शन में मेहनत, आपको सोचना है कि आपके अंदर क्या है। ऐसा नहीं कि लोग क्या कर रहे हैं वो देख के मैं अपना कॉन्टेंट बनाना शुरू करूंगा। आप अपने अंदर झांकिए और देखिए कि आपकी एक्सपर्टीज क्या है। आप 20 वीडियो, 30 वीडियो, चाहे 100 वीडियो, 150 वीडियो वो सिमिलर टॉपिक में बना सकते हैं कि नहीं। चैनल बनाइए, सही से मेहनत कीजिए, झूठे मोनेटाइजेशन के चक्कर में मत जाइए, मेहनत कीजिए। थोड़ा वक्त ज़रूर लगता है मगर कमाई ज़्यादा बेहतर होती है। चैनल की ऑर्गेनिक ग्रोथ की जो पावर है वो आप पैसे देके कभी नहीं खरीद सकते। और हाँ, सब्सक्राइब करना आप लोगों के लिए फ्री है मगर हमारे लिए बहुत मैटर करता है जब ये नंबर्स हमारे पास आके जुड़ते हैं। इससे हमारी ऑडियंस की बेस बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। मेरी वीडियोस करीबन 98% लोग देखते तो हैं मगर वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो थोड़ा सा आप लोगों के साथ रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को अगर मेरी बातें समझ आती है, आप लोग मेरे साथ कनेक्ट कर पाते हैं, मेरे से अगर कोई भी आपको फ़ायदा होता है तो मेरे चैनल को थोड़ा सा और प्यार दें, थोड़ा सब्सक्राइब करें, मुझे भी अच्छा लगेगा। जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको टोटल 6 महीने का टाइम मिलेगा, मतलब जुलाई तक आपको इस सारे टर्म्स के साथ अग्री करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आपका चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा, आपको फिर से रिव्यू के लिए भेजना पड़ेगा। तो इस झंझट में पढ़ने की किसी को जरूरत ही नहीं है। आप आराम से अपने शेड्यूल से थोड़ा सा टाइम निकालिए, इन एग्रीमेंट्स को पढ़िए और साइन करके आगे बढ़िए। जाने से पहले कुछ लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि YouTube प्रीमियम लेने का फायदा है कि नहीं। आई बटन पर क्लिक करके मेरी इस वीडियो को देखिए, आपको YouTube प्रीमियम के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। और आप मेरे साथ अगर पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, आपके पास कोई भी क्वेश्चन, आप कमेंट डाउन कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे या मेरे साथ इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं @IamCosty। मैं प्रॉमिस करता हूं आपको मैं जवाब जरूर दूंगा। तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखें, मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ।